गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पुण्य सद्गुरुदेव स्वामी के सांझी कृपा से आज हम इस जगन्नाथ क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और चंद्र ग्रहण के इस साधनात्मक समय में यहाँ हम सब लोग आए हैं। यह हमारे जीवन का उज्ज्वलतम क्षण या हमारे जीवन में एक श्रेष्ठ क्षण कहा जा सकता है। हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में वॉइसेस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बाहर भी बहुत जगह हैं। द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, उड़पी श्री कृष्ण है, यहाँ पुरुषोत्तम के रूप में जगन्नाथ के रूप में श्री कृष्ण यहाँ भी विराजमान है। लेकिन यह जो बाकी के क्षेत्र है जैसे द्वारका, मथुरा, वृंदावन, यह सिर्फ उनका लीला क्षेत्र था जहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं बताई। लेकिन युग के आरंभ से लेकर युग के अंत तक श्री कृष्ण यही विराजमान होते हैं। इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरुषोत्तम धाम या जगन्नाथ धाम कहा गया है। इस क्षेत्र के बारे में महिमा यह बताते हैं कि जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो एक दिन एक विजाती जिसमें खाने पीने की आदत थी सब थी, अब सब बुराइयां उसमें थी, ऐसे एक झोपड़ी में एक स्त्री रहा करती थी, वो द्वारका में थी। तो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अपने पति से पूछकर बाहर निकली तो देखती क्या है कि उस झोपड़ी के सामने बहुत बड़ी रंगोली डाली हुई है, गोबर से लीपा हुआ है घर, घर में कुछ पकवान का स्वाद आ रहा है। उस दिन लक्ष्मी के व्रत का दिन था तो वो जो स्त्री थी अपनी आंखों में आंसू लाकर लक्ष्मी का आह्वान कर रही थी, माँ लक्ष्मी इस झोपड़ी में बैठी हुई हूँ, अकेली हूँ, सब लोग छोड़कर चले गए हैं, आप आकर मेरे पर मुझ पर कृपा करो। तो माता रुक्मिणी ने जब देखा उसकी आर्त नाद को उन्होंने सुना, रुक्मिणी ने उस झोपड़ी में झोपड़े के अंदर गई तो उसने कहा माँ तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। तो उसने कहा तुम किसका आह्वान कर रही हो, उसने कहा मैं लक्ष्मी का आह्वान कर रही हूँ, तो वो मैं ही हूँ। उसके आनंद का ठिकाना न रहा, उसने उनके चरण पकड़ लिए, उनको नमस्कार किया और कहा कि माँ मुझ पर इतनी कृपा कर दी, जब महालक्ष्मी ने उनके घर में प्रवेश किया तो उसकी झोपड़ी बंगले में बदल गई, बहुत बड़ा भवन हुआ, उसके शरीर पर गहने आ गए, उसके ऊपर कृपा करी। और माता उसने कहा माँ इतना सब कुछ तूने मुझे दिया है तो मेरे घर में तो कुछ ना कुछ खाते जा। तो उन्होंने कहा तू कुछ भी नहीं तो दूध शक्कर या खीर मुझे दे दे, मैं ले लूँगी, जो गाय का दूध से बना हुआ है। तो उन्होंने वो खाया। बात यह हुई कि उनके घर गई, वो अंतेज थी या क्या थी, उसके घर में रुक्मिणी गई, ये बात भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके घर वालों को पता चलते ही सब लोग गुस्से में हो गए कि तू अंतेज के घर जाती है, हमारे घर में नहीं आने का, जैसे हमारे घर में हमारे पृथ्वीराज भी है, कभी कभी गुस्सा है तो पत्नी को नहीं आओ मत आओ बोलते, तो उनका गुस्सा पारावार रहता है ना, ऐसा उनको भी हुआ। उन्होंने कहा रुक्मिणी का, रुक्मिणी ने कहा ठीक है मैंने आप नहीं आने को कहते हो तो मैं नहीं आती हूँ, मैं चले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने कहा कि मैं चले जाती हूँ, कृष्ण के घर में से सब अन्न गायब हो गया, धन धान्य गायब हो गया, कृष्ण के ऊपर से गहने गायब हो गए। अरे परेशान हो गए ये लोग, देखते रह गए ये क्या हुआ। बलराम बोले बड़े भैया ये क्या हो रहा है। हाँ चल चल अपने को सब इतने लोग सब देने वाले हैं ना, किसी के घर को जाके मक्खन चुरा के खाएंगे। जिस घर में भी जाते हैं उस घर में दरवाजा लगा हुआ है, ताला लगा है, कोई आने की बात ही नहीं कहते। बोलिए परेशान होने की बात है, मेरे को कोई बुला रहे नहीं, सब लोग कृष्ण कृष्ण कहा करते थे, आज कोई कह भी नहीं रहा, कृष्ण भी नहीं कह रहा, सब लोग दरवाजा बंद करके बैठे हैं। रुक्मिणी रुक गई, घर की लक्ष्मी रुक गई। तो वहां से कृष्ण ने कहा अपनी बहन सुभद्रा की याद आई जो यहाँ रहती थी। तो बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम अपने बहन के पास जाएंगे,
जब वहां से आ रहे थे तो कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण को जगत गुरु मानकर सब लोग पूजा करते थे, वो आते समय उनको कोई नहीं लिखा, आदमी एक भी नहीं, दोनों भूख के कारण तरस रहे थे कि भूख लगे हुए कहां से लाए, दोनों खड़ी दोनों भी। आखिरकार ऐसे तैसे करते हुए बहन के पास आए। तो जब बहन ने देखा कि भैया ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम इतने धनवान, इतने सब कुछ तुम्हारे पास, सब ऐश्वर्य था, ऐसे क्यों हो गए? दोनों के मुंह से बात भी नहीं आ रही, बोले पहले भूख लगी, भूख मिटा दे। जैसे ही सुभद्रा अपने मटके में घड़े में देखने गई तो चावल गायब। अब सुभद्रा बोली ये तो पूरी हालत गायब है, भैया मेरे घर में भी चावल गायब हो गए। तब बात में नारद भगवान आए, बोले क्या हो रहा है? अरे नारद क्या बोले, देख हमारी हालत क्या हुई है। हाँ प्रभु, नारायण नारायण, काय का नारायण बोल रहा है, हमारी हालत देख, पहले खाने को नहीं है यहाँ। सुभद्रा बोली यहाँ देख तू, यहाँ घर में चावल नहीं है। अरे चावल कहाँ गायब हो गए? दोनों फिर नारायण नारायण कहने लगा। प्रभु अब इसका एक ही उपाय है, माता रुक्मिणी के शरण में जाओ और बोलो कि गलती हो गई, तब ये खड़े कर जाए। अब दोनों को तो अहंकार था कि माता रुक्मिणी के शरण में कैसे जाए, क्या बोले। फिर उन्होंने कहा कि बलभद्र ने, बल भैया ने कहा कि भाई तू कुछ भी बोल, मैं तो शरण जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं जाकर नमस्कार करूँगा, मैं बुला के लाऊँगा ही लाऊँगा, मेरे को भूख लगी है बहुत। तो जैसा ही उनकी तरफ देखा, सुभद्रा की तरफ देखा, सुभद्रा ने कहा भैया मैं भी भाभी को बुला लूँगी, मैं भी क्षमा मांगूंगी, अब रह गए कृष्ण अकेले, पत्नी को क्षमा मांगे तो कैसे मांगे, क्या बोले कि ऐसा क्या करना है। श्री कृष्ण बोले ठीक है उसको बुला के कर लो, बाद में मैं क्षमा मांगता हूँ। सुभद्रा गई, सुभद्रा गई, बलराम भैया गए और आह्वान का मंत्र बोले और बोले कि तुम यहाँ आ जाओ, भूखे हैं, तुम्हारे पति भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, जरा हम पर दया करो। रुक्मिणी आई और बाहर ही खड़े रही, क्यों कि पति जब तक घर से जाओ बोला, जब तक अंदर नहीं आने के लिए उठता तब तक आऊंगी नहीं। अब बात यह हुई कि कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है बहुत हो गया, चलो अंदर आओ। रुक्मिणी ने कहा इस वे अगर इस मार्ग में बुलाओगे तो आऊंगी ही नहीं, मार्ग बुलाने का बहुत अलग है, तुम उस मार्ग से बुलाओ तो जरूर आऊंगी। कृष्ण ने कहा अब क्या करूँ, क्या बुलाऊं, क्या ये बुलाने का तरीका हुआ क्या, जाओ बोले जिस टेम्पर से या जिस टेम्पर से आओ बोले, ये कुछ बात हुई। बलभद्र ने कान में कुछ एक मंत्र फूंका, अरे कन्हैया तू पहले से भी पटाने में औरतों को बहुत माहिर है, तो अभी क्यों ऐसा हो गया है, जरा देख तो देख क्या बात है, ये क्या हुई, जरा देखना तो देखना, और कान में मंत्र फूंका। तो कृष्ण गए सीधे सीधे हाथ डाले, चल वेरी चल चल बोले, रुक्मिणी का जैसा ही हाथ पड़ा पिघल गई, बोले चलो। चलने के बाद कहा भूख लगी, सुभद्राय माई ने कहा कि देख वो हंडिया पूरी खाली पड़ी हुई, अरे नहीं मैं आ गई हूँ, हंडिया कैसे खाली थी जाके देखना। तो सारी हंडिया भरी हुई निकली, तो उसने कहा इस हंडी से हमारा पेट भरने वाला नहीं। तो ने कहा सारी हंडिया मैं अभी चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, 5 मिनट में करती हूँ खाना। तो चूल्हे चूल्हा जलाया, अग्नि भगवान को आह्वान किया और कहा कि भाई तुम भगवान श्री कृष्ण के लिए भात बनाना है, तुम जल्दी जल्दी दाल भात सब एक एक खंडे में, एक खंडे में भात, एक खंडे में दाल, एक खंडे में सब्जी, ऐसा चढ़ाते हुए सब चले गए और हंडियों को लगाया गया। तो देखते क्या है, इतनी भूख लगी थी कि कृष्ण ने कहा ये कब पकेगा यार। तो उन्होंने बोली अरे नीचे की हंडी निकालोगे, जल्दी नीचे की हंडी निकाल, पका वाला नजर आएगा। बलभद्र ने कहा नीचे हंडियाँ ये पका ही नहीं, ऊपर वाला ही देखेंगे। ऐसा ही उन्होंने कहा, नीचे की हंडियाँ पकी हुई नहीं थी, ऊपर की हंडी पकी हुई थी, चावल निकाले। तो कहा ये माँ महिमा तेरी है, अग्नि भगवान तुझ पर प्रसन्न है। तब रुक्मिणी के कहने पर वो जो हाथ का सुभद्रा बहन सुभद्रा ने और वहाँ लक्ष्मी रुक्मिणी ने जैसा पकाया था, आज भी पुड़िया में इस जगन्नाथपुरी में वही मटके की हंडी में वही लकड़ियों पर, गैस पर नहीं लकड़ियों पर ही पकाते हैं उनका नैवेद्य जगन्नाथ जी का। और लाए और जैसा ही परोसने लगे
तो कृष्ण को बलराम सब्जी को भूख बहुत लगी थी, उन्होंने सब खाना खाया और जब खाया तो दोनों भी हंसने लगे। सुभद्रा ने कहा रुक्मिणी माता को, क्या भाभी तुमने भी क्या हमारी परीक्षा देखी, और एक तरफ बलभद्र खड़े थे, एक तरफ कृष्ण खड़े थे और सुभद्रा खड़ी थी। उतने में नारद आए और वह कहा वाह 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 माता लक्ष्मी, तुम्हारी तो बात नहीं, कैसे सूख के लकड़ी हो गए थे तुम्हारे बिना देखो। अब वो तो चिढ़ाने का नारद का काम ही होता है, कुछ ना कुछ जड़े लगा देना। उसने कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान देखने लगे, नारद अब तो भी चुप बैठ, अब तो इज्जत चली गई पूरी, और तो और इज्जत निकालने के लिए तैयार कैसा खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा और रुक्मिणी ने कहा